अपने में आए। बापू कौन बापू? भूल गए तुम उस बापू को? किस बापू को? किस बापू जिसने दिलाई आजादी तुम्हें? वो बापू। बापू की कुछ प्यारी बातें, बापू की कुछ प्यारी बातें, सारे जग से न्यारी बातें, सारे जग से न्यारी बातें। अरे ये क्या किया भाई तुमने? क्या किया? सिर्फ कूड़ा तो फेंका है क्या? बापू की तो यही हर बात, क्या सोच बनाएगा हिंदुस्तान, क्या सुधरेगा हिंदुस्तान? अरे अरे ये क्या किया? कूड़ा तो फेंका है, कूड़ा तो फेंका है, झाड़ू लगा के इसे साफ कर दो। क्या फर्क पड़ता है इसे? फर्क पड़ता है, हम सबको फर्क पड़ता है, हमारे भाई को फर्क पड़ता है, हमारे पूरे देश को फर्क पड़ता है। आओ हम सब कुछ ऐसा कर जाए, आओ हम सब कुछ ऐसा कर जाए, देश को स्वच्छ बनाए, देश को स्वच्छ बनाए, स्वच्छ भारत, स्वच्छ अभियान, स्वच्छ भारत, स्वच्छ अभियान, स्वच्छ भारत, स्वच्छ अभियान। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हम लोग रामसिंह का दाश मार्ग इंदर कारण बाबू जान से आए हुए आप सबको अग्रसर करने के लिए हम सबका सपना है, हमारे सबका एक कर्तव्य है। हम सारे एनसीसी कैडेट, पूरी बटालियन, जैसे B-65 जो पूरी बटालियन है, ये सब भ्रमण कर रही है स्वच्छता के लिए, स्वच्छ भारत, स्वच्छ अभियान। इस देश को स्वच्छ बनाना है, हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है। स्वच्छता हमारी परम धर्म है, मुझे मेरा पहला कर्तव्य है स्वच्छता अपनानी चाहिए। हम स्वच्छ तो मेरा देश स्वस्थ रहेगा। और हम लोग जो अस्पतालों में जाते हैं बेकार का पैसा खर्चा करते हैं, इससे क्या असर होता है, क्या फायदा होता है? वह पैसा फिर किसी काम आ जाएगा, बात छोटे से बच्चे जो है उनकी पढ़ाई काम आ जाएगा, वो लोग आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमारा कर्तव्य है कि हम लोग को स्वच्छता सफाई इस पर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। हम लोग को सुबह उठते ही आस पड़ोस की आस बगल की घर पड़ोस सबको बताना चाहिए और खुद इसे साफ करना चाहिए। मंदिर देवालय इत्यादि चीजों को हमें साफ रखना है, आगे बढ़ना है और देश को आगे बढ़ाना है। हम लोग को इस बीमारियों का शिकार नहीं होना है। आजकल देखते हैं लोग बीमारियों के शिकार होते चले जा रहे हैं, किसी को क्या हो रहा है, किसी को क्या हो रहा है, इन सबसे हमको बचना है और अपने देश को आगे बढ़ाना है। हम सभी लोगों का यही कहना है, हम सब लोग इसीलिए आए हैं आज सबको अग्रसर करने के लिए कि आप सब लोग आगे बढ़ते रहे, देश को स्वच्छ बनाते रहे। पीएम मोदी भी स्वच्छता रैली निकालते रहते हैं इसीलिए कि मेरा देश आगे बढ़ता रहे, मेरे देश के वीर जवान आगे बढ़ते रहे। इन्हीं लोगों में से आप ही लोगों में से कोई एक जवान बनता है और देश की रक्षा करता है। तो इसलिए हम लोग बीमारी का शिकार मत हो, दुश्मन से लड़े लेकिन बीमारी से भी लड़ना होगा। जिस प्रकार एक फौजी दुश्मन से लड़ता है बॉर्डर पे, ठीक उसी प्रकार हम सबको बीमारी से लड़ना होगा। बीमारियों से लड़ना है, बीमारी से लड़ने का मतलब हमें आग बगल गंदे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, रोज सुबह स्नान करना चाहिए और स्वच्छता मेरा परम धर्म कर्तव्य, पहला कर्तव्य मेरा स्वच्छता, स्वच्छता अपनाना मेरा कर्तव्य होगा। इसलिए अगर देश को आगे बढ़ाना है, मैं इसीलिए इधर आया हूँ, इसलिए स्वच्छता की रैली निकलती है कि मेरा देश आगे बढ़ता रहे, स्वच्छता अपनाई जाए और कोई बीमारियों का शिकार मत हो। लोग व्यर्थ का पैसा अस्पतालों में बर्बाद करते रहते हैं, उससे क्या असर होता है? वो पैसा मेरे किसी काम पे लग जाएगा, मेरे किसी खेती बाड़ी में कहीं भी लगता रहेगा, वो लाभ देगा। उसी पैसे से हम लोग अपने स्वास्थ्य के लिए खाते पीते रहेंगे, वो लगता रहेगा। जब हम लोग बीमार हो जाते हैं तो कितना पैसा फूंकते हैं जाके अस्पताल में, बहुत पैसा लगाते हैं। इससे पहले उस पैसे को बचा के हमें कुछ खाना पीना चाहिए और स्वच्छता अपनानी चाहिए। ये दुनिया बीमार होने के बाद लोगों के पास पैसा हो जाता है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है। इसलिए हमें बीमारियों का शिकार नहीं होना है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से अनेक प्रकार की बीमारियां पड़ चुकी है। सर्वप्रथम हमें प्रदूषण से बचना चाहिए, ये प्रदूषण मेरे लिए बहुत हानिकारक है। और सबसे रही बात स्मोकिंग की, जो लोग दारू इत्यादि नशीली चीज़ों का सेवन करते हैं, इससे लोग किडनी गुर्दे ये सब खराब होते जा रहे हैं। अपने आप को खुद क्यों बर्बाद करते हैं? हमें नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करना है और हमको कुछ ऐसी चीज़ खानी पीनी है जो मेरे स्वास्थ्य को बर्बाद मत करे। इन नशीली चीज़ों का क्या फायदा, क्या फर्क पड़ता है? इससे मेरा शरीर बर्बाद होता है और हम बेचैन रहते हैं, हमारी वजह से संक्रामक रोग लोगों को हो जाता है और वो लोग भी, मैं किसी के बगल बैठता हूँ, उनको भी रोग हो जाता है। अपने आप को बचाओ और दूसरों को बर्बाद मत होने दो।
मेरे को बीमारी हो गई तो मैं किसी के पकड़ बैठा, संक्रामक रोग उसको भी हो जाता है, तो मुझे अपने आप को बचाना है और देश को स्वस्थ बनाना है, मेरा यही कर्तव्य है। हम सब लोग के पास इसलिए आए हैं, पूरी बटालियन यहाँ पर रामसुखेश्वर इमारत अदालत में इसलिए आया हूँ, अक्सर करने स्वच्छता अपनानी है, देश को आगे बढ़ाना है, हमको भी आगे बढ़ना है, आपको भी आगे बढ़ाना है। आपके बच्चे, मैं आपका बच्चा ही समान हूँ, पढ़ रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, वो भी पढ़ रहे हैं, सबको मैं बताना है डेली कि स्वच्छता मेरा परम धर्म करता है।